अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब, मैं आज आपको आइसक्रीम बनाना सिखा रही हूँ, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। वैसे असूलन तो ना ये रेसिपी हमने जो स्ट्रॉबेरी भी किया था उसमें होनी चाहिए थी। हम उसी स्ट्रॉबेरी सॉस को इसके अंदर डालेंगे जो मैंने आपको स्ट्रॉबेरी वीक में बनाना सिखाया था। अगर आपके पास स्ट्रॉबेरी सॉस ना भी हो तो आप ये कर सकते हो कि स्ट्रॉबेरीज लो, 100 और 200 ग्राम स्ट्रॉबेरीज लेके आप उनको बस धो के और ग्राइंड करके आप इसमें डाल सकते हो। ठीक है, तो फ्रेश स्ट्रॉबेरीज से जब आप घर में आइसक्रीम बनाते हो बहुत ज़बरदस्त बनती है। अच्छा, ये कंडेंस मिल्क के बगैर बनेगी, कंडेंस मिल्क थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है। अब मैं कहती हूँ कि हर चीज़ यार घर में क्या बनानी, कुछ बाहर से भी बंदा खरीद लेता है, तो मैं कम कम आइसक्रीम बनाती हूँ। अच्छा जनाब, नज़रें मेरे हाथों पे रखिएगा, मुझे सुनते जाइएगा। ये देखिए, मैंने 2 कप दूध लिया और ग्राम्स में अगर हम करेंगे तो 500 ग्राम आपने लेना है। ठीक है, कप मेजरमेंट पे मत जाइएगा, लेकिन मैंने बस आपको दिखा दिया। कोई भी कप ले लो आप घर में दूध वगैरह का जो कप होता है। अब इसमें चीनी मैंने डाली है 50 ग्राम, 3 टेबल स्पून भर के ही आपने डालने हैं। आपकी मर्जी है, ज़्यादा मीठा रखो या कम मीठा रखो, ठीक है, ये आपकी अपनी चॉइस है। अब ये देखिए, मैंने ये सेपरेट रख दिया है। अब ये दूसरा हमने लेना है 1/4 कप दूध, यानी कि 80 ग्राम दूध के अंदर ना आपने 2 टेबल स्पून आपने इसके अंदर कॉर्नफ्लावर के डाल देने हैं। अगर तो आपके पास कस्टर्ड पाउडर है, आप कस्टर्ड पाउडर डाल सकते हो। ठीक है, 25 ग्राम बनेगा आपको। ये मैंने लिख के अभी दिखा दिया है। हमने इसको आम दूध यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर वाले दूध के अंदर मिक्स मिक्स करके साइड पर रख देंगे, और जिस दूध के अंदर हमने चीनी डाली है 2 कप दूध, उसको हम चूल्हे पे रख देंगे। अच्छा, ये बहुत आसान मेथड है, आपको यूट्यूब में हर जगह ही मिल जाएगा। ये बहुत ही सिंपल तरीका है आइसक्रीम बनाने का। इसमें वो कहते हैं स्टेबलाइजर्स या एमल्सिफायर, कोई चीज़ नहीं डलती। ये बिल्कुल होममेड होता है, हाइजीनिक होता है, कोई केमिकल से पाक होता है। मैं आपको प्रोफेशनल रेसिपी जो होता है ना बेचने वाली आइसक्रीम, वो वाला नहीं मैं आपको सिखा रही। आपको पता है मैं उस तरह की चीज़ें कम ही सिखाती हूँ। हाँ, अगर आप लोग रिक्वेस्ट करोगे तो मैं वो भी सिखा दूँगी, उसके अंदर 2-3 चीज़ें जाती हैं। अच्छा, स्टेबलाइज़र जो है ना, आइसक्रीम स्टेबलाइज़र, वो आपको बेक हाउस पे मिल जाएगा। उससे क्या होता है, आइसक्रीम अच्छे से ठंडी भी हो जाती है, जम भी अच्छे से जाती है, क्रिस्टल्स नहीं आते। 2-3 चीज़ें होती हैं कि आप लोगों ने अगर सेल पर्पज़ के लिए बनानी है तो किस तरह से बनानी है। ठीक है, अब ये देखिए, दूध उबला, हमने उसके अंदर वो कस्टर्ड पाउडर, जैसे कस्टर्ड बनाते हैं, सिंपल मेथड है, हमने उसको बना के ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दिया। अब ये देखो, ये मेरा स्ट्रॉबेरी सॉस था। हमने 1 कप विप क्रीम ले रही हूँ मैं, किसी भी ब्रांड के ले लो, 300 ग्राम विप क्रीम। अगर तो आपके पास मिल्क पैक क्रीम है, डेरी क्रीम है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं, कंडेंस मिल्क और डेरी क्रीम के साथ जब आप आइसक्रीम बनाते हो ना, तो वो बहुत बहुत यमी बनती है, सॉफ्ट भी बड़ी बनती है, लेकिन ऑब्वियसली वो थोड़ी महंगी पड़ जाती है। देखो, 210-220 रुपये की तो ऑलपर्स की क्रीम है, कंडेंस मिल्क का 10 जो है 350 का या 200 रुपये का, तो 500 की तो यही पड़ गई, तो बंदा बाजार से ना ला के खा ले, इतनी मेहनत ज़रूर करनी है। तो ये वाला तरीका थोड़ा सा आसान है, थोड़ा सस्ता है, दूध घर में होता है, अक्सर बच्चे कस्टर्ड शौक से खाते हैं, कस्टर्ड पाउडर भी घर में होता है। ठीक है ना, अब ये देखो, मैंने इसके अंदर डाल दी प्यूरी, ठीक है, और इसके बाद मैंने इसमें डाला कलर, थोड़ा सा कलर डाला ताकि ज़रा अच्छा लगे। अच्छा जी, अगर जब आप कंडेंस मिल्क डालते हो ना, तो फिर हम ये कस्टर्ड नहीं बनाते, हम सिर्फ ये विप क्रीम के अंदर कंडेंस मिल्क डाल देते हैं, और उसको हमें दोबारा से निकाल के कुछ करना भी नहीं पड़ता, वो आपकी फटाफट से सेट हो जाती है। इसमें आपको थोड़ा सा प्रोसेस करना पड़ता है, लेकिन ये अफोर्डेबल बनती है, आपकी पॉकेट फ्रेंडली होती है, ईजिली बन जाती है। अच्छा, ये मैं बहुत कम बनाती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे ना हर चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं, मम्मा आइसक्रीम बना दे, मम्मा ये कर दे, फिर मम्मा क्या क्या करे, हर काम खुद ही करी जाए, कोई बाइट के लिए भी छोड़ो। इसलिए मैं घर में बहुत कम आइसक्रीम बनाती हूँ, मैं बाहर से ही ज़्यादातर कह लेती हूँ। अच्छा जी, इसके अलावा एक और बात मैंने आपको बतानी थी, बड़ी ज़रूरी बात थी। हाँ, मुझे पर्सनली ना आइसक्रीम में पाइनएप्पल फ्लेवर बहुत पसंद है, मैं पाइनएप्पल आइसक्रीम बहुत मज़े की बनाती हूँ, तो वो भी इंशाल्लाह अगर इसके ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो वो भी सिखा दूँगी, कोई मसला नहीं है। और दूसरी बात यह है कि देखें, इसको हमने ना बीट किया, अच्छे से आपने इसको बीट कर लेना है। पहले आपने क्रीम को अच्छी तरह से बीट किया, उसके बाद ये कस्टर्ड पाउडर डाल के ना, कस्टर्ड पाउडर वाला जो है कस्टर्ड, तो मैंने कॉर्नफ्लावर से बनाया है, आपको पता है कॉर्नफ्लावर कस्टर्ड ही होता है, बस उसमें फ्लेवर होता है। तो ये हमने जो कस्टर्ड सा बनाया था, हमने इसके अंदर डाला, और आपने ये टेक्सचर देख लेना है कि इस तरह का टेक्सचर हो, नरम नरम सा, ठीक है। अच्छा, ये हमारी आइसक्रीम ना पूरी पूरी 1 kg तैयार होगी। अब आप देखो, 1/2 लीटर या
हाँ हाफ लीटर दूध से, 500 ग्राम दूध से आप देखो कितनी ज़्यादा आपकी आइसक्रीम बन जाती है, और हेल्दी, मज़ेदार और यमी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो ये बात है कि आपकी बहुत ज़बरदस्त आइसक्रीम बनती है। आप ये देखें, इसको ना मैंने अच्छी तरह से डाल के कंटेनर में, और इसको ना आपने कवर करके रखना है कि इसके अंदर हवा ना जाए ठंडी वाली, उससे क्रिस्टल्स डिवेलप हो जाते हैं। क्रिस्टल डिवेलप होने से मुराद ये होता है कि अंदर ना बर्फ़ बर्फ़ आपको फील होती है, ठीक है। इसके ऊपर क्लिंग रैप ज़रूर करना है, मैं यहाँ पे करना भूल गई थी, और मेरे से गलती ये हुई कि मैंने टूटी फ्रूटी यहाँ पे नहीं डाली। आप इसके अंदर ना रीजन्स डाल सकते हो, टूटी फ्रूटी डाल सकते हो, बहुत चीज़ें डाल सकते हो, ज़बरदस्त बनेगी। अच्छा, इस डब्बे को उठा के आपने 3 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दिया, 3 घंटे बाद निकाला, और निकालने के बाद ना आपने इसको देखोगे ये हाफ डन हुई हुई होगी, नीचे से जम गई होगी, ऊपर से नहीं जमी होगी। आपने दोबारा इसको शिफ्ट करना है बाउल के अंदर, या बल्कि इसी के अंदर भी बीटर चला दो, कोई मसला नहीं होता। लेकिन चलो मैंने कहा प्रोसेस पूरा ही मैं आपको दिखाऊं जिससे आपको आइडिया हो जाए। अब ये देखें, ऊपर से भी ये नरम थी, नीचे से जम गई थी। आपने इसको फिर से बीटर चलाना है इसके अंदर, ताकि इसके अंदर क्रिस्टल फॉर्म्स होने वाले हैं वो ना हो, इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है, बस और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अगर तो आप कंडेंस मिल्क डालते हैं तो आपको ये प्रोसेस भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि कंडेंस मिल्क खुद इतना मीठा होता है और गाढ़ा होता है, वो जल्दी से ना जोड़ देता है चीज़ों को। अब ये देखो मैंने हल्की स्पीड पे बीटर चला के इसको फिर से थोड़ा सा मिक्स कर लिया, ताकि एक फिर से स्मूथ पेस्ट बन जाए, और इससे आपकी आइसक्रीम का टेक्सचर बहुत अच्छा आता है, बिल्कुल बाजार जैसा आता है। अब देखो घर की 2-3 चीज़ों से हम कितनी बेहतरीन आइसक्रीम बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा जनाब, मैं आप सबके ही मैसेजेस का रिप्लाई, रिटर्न रिप्लाई करती हूँ, सिर्फ इसलिए कि वीडियो में नाम लो ना फिर लोग मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज करने लग गए हैं कि नहीं आप वीडियो पर फोकस रखा करें, आप नाम ना लिया करें, हम बोर हो जाते हैं। जो लोग न्यू ज्वाइन करते हैं वो कहते हैं जी आप जब नाम लेते हैं हम स्किप कर देते हैं, वो पार्ट आगे कर देते हैं। आई डोंट नो वो क्यों इस चीज़ को नहीं समझते कि कोई इतने प्यार से कमेंट कर रहा है तो उसका नाम लेना तो बनता है ना। अब मैं क्या करूं, अब आप लोगों ने मुझे मशवरा देना है कि मैं क्या करूं, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो जी ये हमारा आइसक्रीम हो गई तकरीबन रेडी। अब ये इस वक्त बचे थे रात के 11, और मैंने इसको ना डब्बे में डाल के क्लिंग रैप कैसे करना है मैं आपको दिखा देती हूँ। कि आप बेशक क्लिंग रैप नहीं है ना, शॉपिंग बैग नहीं होता, आप उसको भी इस तरह से लगा सकते हो कि वो ऊपर ऊपर ना लगे, वो इस आइसक्रीम के साथ टच हो, ताकि हवा बिल्कुल भी ना जाए इसके अंदर। इस तरह से जैसे मैं करके दिखा रही हूँ ना, इस तरह से। अच्छा वीडियो पता नहीं इतनी स्लो क्यों चल रही है, समझ नहीं आई मुझे। तो जनाब बस ये आपने इस तरह से करके रखना है। अच्छा आप इसमें बड़ी वेरिएशन कर सकते हो, आप इसके अंदर स्ट्रॉबेरी के चंक्स डाल सकते हो, आप इसके अंदर ड्राई नट्स डाल सकते हो। अच्छा प्रालीन आइसक्रीम भी बहुत मज़े की बनती है, कैरमल क्रंच बहुत मज़े की बनती है, बहुत ही कमाल बनती है। अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आएगा देन, क्योंकि वीडियो पर ना व्यूज़ थोड़े कम होते हैं तो फिर मुझे लगता है कि लोगों को पसंद नहीं है, लोग और बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। अच्छा आप लोगों ने चिकन बन ज़रूर ट्राई करने हैं, जो मैंने कल सिखाए थे बहुत औसम थे, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, ठीक है। अब ये देखो मैंने पूरी रात के लिए इसको फ्रिज में रखा। ये है जी टूटी फ्रूटी, और टूटी फ्रूटी क्या होती है, ये मुरब्बा अशरफियाँ नहीं होती हैं, ये मिलती हैं आपको पंसारी की दुकान से, जहाँ से हम जर्दा बनाने की चीज़ें मंगवाते हैं ना, वहाँ से मिल जाती है ईजीली। अब ये देखिए, ये मैंने इसको बॉक्स में से निकाला, और अब मैं आपको ना क्लोज करके ज़रा दिखाती हूँ, आप देखो। और फिर हम जब इसे खोलेंगे, इतना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर था। अच्छा फ्रीज़र में से जब आप फ़ौरन निकालते हो ना, ये बड़ी हार्ड हुई हुई होती है, अच्छी खासी ये हार्ड होती है कि एकदम से आप निकालो ना, क्योंकि मैंने इसको रखा तकरीबन 12 घंटे के लिए, आपने ना इसको 7 से 8 घंटे के लिए रखना है, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा बच्चे जब स्कूल से आएंगे तभी मैंने सर्व करनी थी, तो इसको ज़रा ज़्यादा टाइम हो गया, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आप इसको 6 से 7 घंटा रखें बस। और जनाब जब आपने ये खानी है ना, ये इतनी स्मूथ बनती है, इतनी ज़बरदस्त बनती है, आपको कि नादिया बस आप ना तारीफ़ ही करते रहते हो, लेकिन यकीन माने ये बहुत ज़बरदस्त बनती है। अच्छा ये देखिए, आइसक्रीम स्कूप से निकाल लो, चम्मच से निकाल लो, जिस तरह से दिल करे आप निकाल लें, लेकिन ये हेल्दी आइसक्रीम बच्चों के लिए आप घर में बनाओ, ठीक है। आप थोड़े से दूध में बस कस्टर्ड बना के विप क्रीम आपको लानी पड़ेगी, ये ख़र्चा आपको करना पड़ेगा। अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं, वो खाली कस्टर्ड बना के उसे कोई बीट करके और उसके अंदर कोई फ्रूट वगैरह की प्यूरी डाल के वो भी आइसक्रीम बना देते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो थोड़ी सी और तरह की बनती है। लेकिन जब आप विप क्रीम डालते हो, किसी भी ब्रांड की डालो,
विपी विप ले लो, फ्रॉस्टी ले लो, जो आपका दिल करता है वो ले के आप इसका टेक्सचर देखो, ठीक है। फ्रिज में मैंने फ्रीज़र में रखा था इसको, इतनी बेहतरीन बनती है कि आप इसको ना हर मतलब फ्रूट के साथ बना सकते हो, ब्लूबेरी के बना सकते हो, मैंगो की बहुत कमाल बनती है, पाइनएप्पल की बहुत ज़बरदस्त बनती है, बहुत ही अच्छी बनती है। तो ना आप ये ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना कि नादिया हमें आपकी रेसिपी कैसी लगी। अच्छा, मुझे इंस्टाग्राम में ना बहुत प्यारे मैसेजेस आते हैं आप लोगों के, यकीन माने मेरा दिल खुश हो जाता है। जस्ट मैंने अभी मोबाइल चेंज करना है, इस वजह से मैं थोड़ा सा वेट कर रही हूँ, वरना मैंने फेसबुक ग्रुप बनाऊँगी जिसमें आप लोग होंगे और मेरे जो सबसे प्यारे यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स हैं वो ज़रूर होंगे उसके अंदर। और ख़ास तौर पर मैं सायमा चौहान जो हैं हमारी, उनका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करती हैं, तो काइंडली आप लोग भी किया कीजिए। ये एक समझे कि एक रिटर्न होता है ना, जेस्चर ऑफ लव होता है कि अगर मैं आपको इतनी परफेक्ट चीज़ें सिखाती हूँ तो आप उसके रिटर्न में मेरे लिए ये कर दिया करो कि मेरी वीडियो शेयर कर दिया करो, मेरी वीडियो पूरी देख लिया करो, एक से दो दफ़ा देख लिया करो। उससे ये क्या होता है कि वीडियो की रीच बढ़ जाती है। अब आप देखो बेकिंग के हवाले से मेरा चैनल कैसा है, लेकिन आप देखो कि उतने व्यूज़ नहीं आते हैं जितने आने चाहिए, तो वो कैसे आएंगे जब आप लोग स्किप किए बगैर देखोगे, ठीक है। अब ये देखिए जनाब, ये मैंने दूसरी प्याली में आइसक्रीम निकाली है, अब ये और स्मूथ इस वजह से निकल रही है कि ये रूम टेम्परेचर पे, यानी कि थोड़ा सा इसका टेम्परेचर नॉर्मल हुआ है, वरना ये बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है जब आप इसको ज़्यादा देर फ्रीज़र में रखोगे ना, पत्थर की तरह सख्त हो जाएगी। मैं आपको सारी बातें बताती हूँ, जो कमी हो, जो कि गलती हो, वो सब चीज़ें मैं आपको मेंशन करती हूँ, ताकि जब आप वो काम करो तो आप वो गलतियाँ ना करो, ठीक है। आपके गेस्ट आने हो, आप रात को बना के इसको रख दो और फ्रीज़र में, और उसके बाद दोपहर में ना आप इसको ऊपर वाले खाने से नीचे वाली फ्रिज में रख दो, तो ये बड़ा ही सॉफ्ट और मुलायम हो जाएगी। और जैसे ही मेहमानों के आने में आधा घंटा पौना घंटा फिर फ्रीज़र में रख दो, तो बहुत अच्छा टेक्सचर हो जाएगा इसका, ठीक है। अब जनाब ये बच गई है, ये हम इसको रख देंगे फ्रिज में। अच्छा, आइसक्रीम केक ऐसे ही बनता है जनाब, ये आइसक्रीम आप घर में बनाओ और इसको आपने जिस पैन में केक बेक किया उसमें थोड़ा सा फैला के एक मोटी सी लेयर इसकी आपने ठंडी कर लेनी और वो केक के ऊपर रखते हैं। चलिए अच्छा, वो भी मैं किस दिन सिखा दूँगी आपको आइसक्रीम केक, लेकिन आइसक्रीम केक जो है ना हमारे पाकिस्तान में थोड़ा कम चलता है, इस वजह से आइसक्रीम मेल्ट होने का खदशा होता है, सर्दियों में ज़्यादा स्टेबल रहता है, लेकिन मैं आपको इंशाल्लाह सिखा दूँगी, आप फिक्र ना करिएगा, ठीक है। तो जनाब ये थी आज की रेसिपी, कैसी लगी आपको दुआ में याद रखिएगा, लाइक कर लिया करें, शेयर कर लिया करें, सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, इससे मेरी हेल्प होती है और आप लोगों के प्यार का मुझे अंदाज़ा होता है, आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। ये आपको सिखाते सिखाते ना ये पूरी प्याली लगता मैंने ही खा जानी है। चलें जनाब, मुझे दीजिए इजाज़त, ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये आइसक्रीम, बच्चों को दिखाइए और खिलाइएगा भी ज़रूर, और वो ज़रूर पसंद करेंगे। गर्मियों में बाज़ार की महंगी आइसक्रीम से घर की ये वाली बेस्ट आइसक्रीम रहती है, और आप इसको मज़ीद फ्लेवर्स भी फ्लेवर्स के साथ बना सकते हैं। कुल्फ़ा पिस्ता बहुत मज़े की बनती है, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको सिखाऊँगी, अगर आप लोग कमेंट में मुझे बताओगे कि नादिया हमें इसी तरह की आइसक्रीम सीखनी है, तो फिर मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर सिखा दूँगी, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।